हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे वेलकम टू वर्ल्ड टुडे स्कूप सभी को नमस्कार और आज हम लोग जानेंगे यूएस ओपन चैंपियन के बारे में उनको कितनी प्राइज मनी मिलेगी और क्या रहेगा टोटल टूर्नामेंट का प्राइस तो जानिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा तो दोस्तों आपके सामने ये है एम आर आडोकानो लास्ट ईयर की यूएस ओपन चैंपियन इन्होंने लास्ट ईयर वुमेन सिंगल्स जीता था और ये बस 19 साल की थी उस समय उस समय उन्होंने जब जीता था तब इनका प्राइस 20 करोड़ से कम था लेकिन इस बार विमेन सिंगल्स या मेन सिंगल्स को 20 करोड़ अठहत्तर लाख रुपए मिलेंगे ये बहुत होता है दोस्तों मेन और विमेन दोनों के लिए सेम प्राइस है क्योंकि यूएस ओपन और दूसरे टूर्नामेंट जो टेनिस के हैं वो इक्वालिटी की बात करते हैं आजकल तो वहाँ सेम प्राइस होती है बीस करोड़ अठहत्तर लाख तो इस बार जो जीतेगा यूएस ओपन उसको इतनी प्राइज मनी मिलेगी दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि रनर्स अप को क्या मिलेगा दोस्तों ये है लीला फर्नांडिस आपके सामने ये कैनेडा के प्लेयर हैं इन्होंने कितना जीता था लास्ट टाइम आपको बताता हूँ इनकी प्राइज मनी दस करोड़ से कम थी लास्ट बार लेकिन इस बार दस करोड़ से ज़्यादा मिलेगा विमेंस सिंगल्स चैम्पिय रनर अप को भी दोस्तों जो मेंस सिंगल्स रनरअप भी होगा उसको भी दस करोड़ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे फिर बात करते हैं दोस्तों कि मेंस डबल्स को क्या मिलेगा मेंस डबल्स कितना कमाएंगे अगर वो यूएस ओपन जीतते हैं तो तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर कि डबल्स चैम्पियन को मिलेगा पाँच करोड़ पचास लाख रुपए जो कि आपको सिंगल्स अमाउंट से काफ़ी कम मिलेगा लेकिन फिर भी पाँच करोड़ पचास लाख कम नहीं होते दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये तो अगर सानिया मिर्जा जो कि डबल्स खेलती हैं वो जीतने में कामयाब रहती हैं यू एस ओपन तो उनको कितना मिलेगा उनको मिलेगा पाँच करोड़ पचास लाख जो बहुत होते हैं दोस्तों इतने तो एक टूर्नामेंट में खेलने पे किसी को नहीं मिलते होंगे क्रिकेट में तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है ये और उनको इसको जीतने का मौका रहेगा अब बात करते हैं दोस्तों विम मेडल में कितना मिला था विम मेडल जीतने पर नोवाक जोकोविक को क्या मिला था और विमेन सिंगल चैम्पियन को क्या मिला था तो ये आपके स्क्रीन पर ये दोनों की फ़ोटो है और अब आपको पता चलेगा कि कितना पैसा मिला था इन लोग को जीतने पे ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वुमेन्स चैंपियंस को मिला था और मेंस सिंगल्स को भी मिला था सेम प्राइस होती है दोनों की तो उन दोनों को मिला था अट्ठारह करोड़ नब्बे लाख रुपये दोस्तों जो कि बहुत होता है अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पूरी लाइनअप है कि कितना पैसा कितना मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई जीतता है तो उसको वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड डॉलर्स मिलेंगे जो कि बहुत होता है दोस्तों ये 96 लाख के बराबर होता है लगभग एक करोड़ मिलेगा अगर आप फर्स्ट राउंड जीतते हैं तो अगर और अगर, अगर आप नहीं भी जीतते हैं फर्स्ट राउंड खेलने पे भी 80,000 डॉलर मिलेगा इसको भी आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग चौंसठ लाख रुपए मिलेंगे आपको इसको जीतने पर तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी अमाउंट है कितना बड़ा प्राइज़ मनी है दोस्तों अगर एक आदमी यूएस ओपन में क्वालिफाई भी होता है तो उसको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है बस खेलने पर ही उसको रिप्रेजेंट करने पर ही मिल जाएगा लगभग चौंसठ लाख रुपए और अगर वो जीतता है फर्स्ट राउंड जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है तो उसको मिलेगा नाइन्टी सिक्स लाख रुपीस तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि इंडियंस को भी खेलना चाहिए अगर सिंगल्स में कोई खेलता है कोई बड़ा प्लेयर बनता है आगे जाकर इंडिया से तो वो अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल काम करेगा और क्योंकि टेनिस में कोई बड़ा नाम भी नहीं है इंडिया से सिंगल्स में तो अगर वो बड़ा प्लेयर बनता है तो यहाँ काफ़ी लाइमलाइट लाइट मिलेगी दोस्तों क्योंकि टेनिस की काफ़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में तो आप समझ सकते हैं कि इस प्राइज मनी की क्या वैल्यू है ये लास्ट ईयर कम वैल्यू थी इसकी क्योंकि कोविड जब से आया है जब से प्राइज मनी कम हो गई है हर टूर्नामेंट में तो यहाँ भी इसका इफेक्ट देखा गया था लेकिन अब प्राइज मनी बढ़ चुकी है तो यही है दोस्तों आपके सामने आप इसको स्क्रीन ले सकते हैं और देख सकते हैं इसको सो थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए इस वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग